गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी। आज हम कुछ सवालों की बात करेंगे और सिंप्लेक्स विधि से किसी एलपीपी को किस प्रकार से हल किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मैथड, किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि द्वारा किस प्रकार से हम हल करते हैं, उसकी सॉल्यूशन प्रोसीजर या कंप्यूटेशन प्रोसीजर की व्याख्या करने के लिए हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं इसको। एक उदाहरण लेते हैं हम एलपीपी का। जो उदाहरण है वो है सॉल्व द एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। एलपीपी है मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 5x1 + 3x2, सब्जेक्ट टू प्रतिबंध हमें दिए हैं 3x1 + 5x2 ≤ 15, और दूसरा है 5x1 + 2x2 ≤ 10, x1 > 0 and x2 > 0। एक एलपीपी हमें दी गई है, इस एलपीपी को हमें सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करनी है। सॉल्व दिस एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए जो इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर है, सबसे पहले जो दी गई एलपीपी होती है उसको हम मानक रूप में बदलते हैं, और हम जानते हैं कि मानक रूप के लिए जो जेड है वो हमारा हमेशा मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट जो है प्रतिबंध वो हमेशा समीकरण के रूप में होने चाहिए, यहाँ पर हमें लेस देन इक्वल टू के सिंबल दिए गए हैं, तो हम स्लैक वेरिएबल को ऐड करके इसे समीकरण में रूपांतरित कर लेंगे। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है बी हमारे धनात्मक होने चाहिए, तो बी हमारे दोनों जो b1 और b2 15 और 10 दोनों धनात्मक हैं। और चौथा जो था हमारा वो था जो चर होते हैं एलपीपी में प्रयुक्त चर हमेशा ऋणोत्तर होने चाहिए, तो x1 > 0 और x2 > 2 यह हमें दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दी गई एलपीपी को मानक रूप में बदलने के लिए x3 तथा x4 दो न्यूनता पूरक चर लेने पर, दो स्लैक वेरिएबल हम यहां पर यूज कर रहे हैं, टू कन्वर्ट दिस कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन, तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 5x1 + 3x2 + जैसा कि हम जानते हैं कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो होते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है, तो जीरो एक्स थ्री जीरो एक्स फोर, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब प्रतिबंध जो है वो हो गए 3x1 + 5x2 + x3 = 15, और 5x1 + 2x2 + x4 = 10, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, तो 0x3 और 0x4, जहाँ पर सभी xi > 0 हैं, i = 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हमने जो दी गई एलपीपी थी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इस दी गई एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हमारा ए जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो है 5, 3, जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं प्रतिबंध हैं उनके कंपोनेंट्स, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो, तो x1 के कोफिशिएंट 3, 5, x2
अगला है 5 2, फिर 1 0 0 1। स्मॉल पी जो है हमारा वो है रिक्वायरमेंट वेक्टर, और वो रिक्वायरमेंट वेक्टर जो होता है वो एलपीपी में जो कंस्टेंट्स हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट हैं तो वो है 15 और 10, और जो स्मॉल सी होता है वो हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स, तो कॉस्ट जो है हमारी वो जेड के अंदर एक्स वन की कॉस्ट सी वन 5 है 3 है 0 0, तो 5 3 0 0 ये हमारा सी। तो ए बी और सी हमने कैलकुलेट कर लिए। प्रारंभिक आधार जो होता है इनिशियल बेसिक, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रारंभिक आधार हमेशा इकाई मैट्रिक्स होना चाहिए, तो प्रारंभिक आधार बी जो है वो हमारा है 1 0 0 1, जो कि अल्फा 3 और अल्फा 4 के कॉरस्पॉन्ड में है। ये है हमारा अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3 और ये अल्फा 4। तो प्रारंभिक आधार बी जो है हमारा अल्फा 3 और अल्फा 4 है। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। प्रथम सारणी जो है सिंप्लेक्स टेबल की वो थी सी बी बी एक्स बी स्मॉल बी ऊपर सी जे। ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। पहला है सी बी, सी बी मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, बी मतलब बेसिस एलिमेंट, एक्स बी मतलब सॉल्यूशन, बी मतलब आपका जो हमारा रिक्वायरमेंट वेक्टर है वो, और सी जे, सी जे है हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स। वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, ये हमने फॉर्मूला देखा था वाई जे बराबर बी इनवर्स अल्फा जे, उसकी सहायता से हम वाई जे निकाल लेते हैं। और लास्ट जो हमारा कॉलम है वो है जेड जे माइनस सी जे। तो ये हमारा जो टेबल है उसका स्केच है। सी बी आएगा, फिर बी, फिर एक्स बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी के ऊपर सी जे, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। ये डिपेंड करता है हमारे अल्फा जे कितने हैं, तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर तक हैं, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। अगर अल्फा फाइव तक होता तो वाई फाइव भी आ जाता। तो अब हम इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो सी बी, पहले सबसे पहले बात करते हैं बी, बी हमारा है आधारी मैट्रिक्स, तो आधार में हमारे हैं अल्फा थ्री और अल्फा फोर, तो यहाँ होगा अल्फा थ्री और अल्फा फोर। जो आधारी मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट, तो एक्स अल्फा थ्री और अल्फा फोर। एक्स बी, तो अल्फा थ्री के कॉरस्पॉन्ड में हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स थ्री है, और अल्फा फोर के संगत में जो वेरिएबल है हमारा वो एक्स फोर है। उसके बाद सी बी, सी बी मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, तो अल्फा थ्री एक्स थ्री की कॉस्ट कितनी है, एक्स थ्री की कॉस्ट है जीरो, तो यहाँ पर जीरो, और एक्स फोर की कॉस्ट है जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो। बी जो है हमारा वो 15 और 10, तो ये 15 और ये 10। सी जे मतलब कॉस्ट मैट्रिक्स, तो कॉस्ट मैट्रिक्स में हमारा 5 3 0 0, ये हमारी सी जे, सी जे मतलब सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, तो सी वन सी टू सी थ्री फोर हमारे 5 3 0 0। अब हम बात करते हैं वाई वन की, तो वाई वन का जो फॉर्मूला है वो है बी इनवर्स अल्फा वन। बी इनवर्स, बी हमारा क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, तो बी इनवर्स अल्फा वन जो होगा वो अल्फा वन ही होगा, तो अल्फा वन को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहली टेबल में तो वाई वन जो होगा वो अल्फा वन ही होगा, तो 3 5। वाई टू जो होगा वो अल्फा टू ही होगा, तो 5 2। वाई थ्री अल्फा थ्री होगा, तो 1 0 0 1। तो इस प्रकार से हम इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं। जो हमारा स्केच था, जो हमारा टेबल थी, उसमें डेटा किस प्रकार से एंट्री किए वापस बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले बी की एंट्री करनी है, बी मतलब
बेसिस मैट्रिक्स, तो बेसिस मैट्रिक्स में हमारे जो वेरिएबल थे वो कंपोनेंट थे अल्फा थ्री और अल्फा फोर, तो ये वेक्टर आ गया अल्फा थ्री और ये अल्फा फोर। अल्फा थ्री के संगत जो वेरिएबल है वो एक्स थ्री है, अल्फा फोर के संगत जो वेरिएबल है वो एक्स फोर है। उसके बाद बी के नीचे बी आ जाएगा 15 10, तो बी हमारा 15 और 10 था। वाई वन जो है वो अल्फा वन ही है पहली टेबल में, वाई टू अल्फा टू है, वाई थ्री अल्फा थ्री और वाई फोर अल्फा फोर है। और सी बी जो है हमारे एक्स थ्री की कॉस्ट, तो एक्स थ्री की कॉस्ट है हमारी 0, एक्स फोर की कॉस्ट है हमारी 0। तो ये हमारी प्रारंभिक टेबल है जिसमें हमें कोई डेटा नया नहीं निकालना है, केवल ए बी और सी को इसमें हमने इंसर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं जेड जे माइनस सी जे की। तो चूंकि जेड जे का जो फॉर्मूला था वो था सी बी वाई जे, सी बी वाई जे समेशन भी था यहाँ पर, तो सी बी वाला कॉलम हमारा ये रहा और वाई जे ये रहा, तो वाई वन। तो जब हम जेड वन निकालेंगे तो ये आएगा सी बी वाई वन माइनस सी जे मतलब 5, तो 3 × 0 3 × 0 0, 5 × 0 0, समेशन लगा हुआ है अर्थात इनको जोड़ना भी है, तो 3 × 0 0 5 × 0 0, तो 0 + 0 0 है और इसमें से सी जे माइनस करना है तो -5। जेड जे हमने निकाल लिया, उसमें सी जे को घटा दिया तो सी जे हमारा था -5 5 था, -5 आ गया। और ये इसी प्रकार से 5 × 0 0 2 × 0 0 0 + 0 0 होगा, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, 1 × 0 0 0 × 0 0 0 में से 0 तो 0 और ये 0। तो इस प्रकार से हम जेड जे माइनस सी जे निकाल लेते हैं। जेड जे माइनस सी जे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है या इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिससे हम नया जो हमारा टेबल है वो बनाते हैं। तो जेड जे माइनस सी जे में -5 -3 0 0 एल पी पी का जो सॉल्यूशन है वो अगर जेड जे माइनस सी जे सभी धनात्मक हो जाते हैं तो वो जो बी के जो कॉलम है एक्स थ्री का मान 15 और एक्स फोर का मान 10, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक आ रहे हैं तो जेड जे माइनस सी जे -5 और -3 इन दोनों में से मोर नेगेटिव जो है वो है हमारा -5, तो इसके नीचे यहाँ एरो लगा देते हैं। जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करने के बाद जो जेड जे माइनस सी जे हैं उसमें जेड वन माइनस सी वन जो है हमारा वो अधिक ऋणात्मक है, मोर नेगेटिव है, तो इसके नीचे हमने एरो लगा दिए। ये एरो हमारा एंट्रिंग वेक्टर को दर्शाता है। अल्फा थ्री और अल्फा फोर के अंदर से एक वेक्टर बाहर निकलता है और एक वेक्टर इंसर्ट होगा, तो कौन सा वेक्टर अंदर जाएगा बेसिस के अंदर, वो है वाई वन मीन्स अल्फा वन इंसर्ट होगा, और अल्फा थ्री और अल्फा फोर में से एक वेक्टर को हमें बाहर निकालना है। तो जो एक्स जो डिपार्टिंग वेक्टर होगा, जो निर्गत सदिश होगा वो कौन सा होगा, उसके लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं एक्स बी आई अपॉन वाई आई के, जहाँ पर ये वाई आई के धनात्मक होना चाहिए। तो एक्स बी आई कौन है हमारा जो सॉल्यूशन है, तो 15 अपॉन वाई आई के जो एंट्री वेक्टर है वो वाई आई के है, तो ये 3, तो ये हो गया 15 अपॉन 3। ऐसे ही दूसरा वेक्टर, दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा 10, तो 10 एक्स बी आई है हमारा 10 अपॉन वाई आई के, तो उसका सेकंड कंपोनेंट वो है 5। तो यहाँ पर इसमें हमारा मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम तो 5 अपॉन 15 अपॉन 3 5 और 5 अपॉन 10 अपॉन 5 ये 2। तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 5 और 2 में से मिनिमम है हमारा 2, तो इसके यहाँ पर हम ऐसा 3 लगा देते हैं। तो अब जो हमारी नई टेबल होगी उस नई टेबल में जो एंट्रिंग वेक्टर होगा वो तो अल्फा 1 होगा और जो डिपार्टिंग होगा जो बाहर निकलेगा वो अल्फा 4 होगा, मतलब अल्फा 4 की जगह पर हमारा कौन सा वेक्टर होना चाहिए, अल्फा 1। तो अल्फा 1 तो हमारा एंट्रिंग वेक्टर होगा और अल्फा 4 जो है वो डिपार्टिंग वेक्टर होगा। तो इसके बाद हम प्रवेशी सदिश, जो नई टेबल होगी उसमें प्रवेशी सदिश मतलब एंट्रिंग वेक्टर वो है हमारा अल्फा 1 और डिपार्टिंग या अपगामी सदिश, डिपार्टिंग
ये होगा अल्फा फोर। अल्फा थ्री और सॉरी अल्फा फोर और अल्फा वन जो है उन दोनों की कॉरस्पॉन्ड में ये एंट्रिंग वेक्टर है और ये डिपार्टिंग वेक्टर है। तो ये जो एलिमेंट है जो दोनों अवगामी सदिश और प्रवेशी सदिश का कॉमन एलिमेंट है पांच, इसको हम कहते हैं की एलिमेंट, मुख्य अवयव या की एलिमेंट, ये है हमारा पांच। तो की एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी सहायता से हम अगली टेबल को बनाते हैं। तो सिंपलेस्ट टेबल जो सेकंड बनेगी वो है, वापस स्केच तो वही रहेगा, सी बी बी एक्स बी स्मॉल बी और सी जे बाय वन बाय टू बाय थ्री बाय फोर। और ये है हमारा जेड जे माइनस सी जे। तो टेबल वही है, स्केच वही है, केवल अब डाटा बदल जाएगा। सी जे मतलब 5 3 0 0, सी जे हमारा वही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बी की बात करते हैं। तो बी में हमारा जो पहला कंपोनेंट था वो तो अल्फा 3 एच डी सी रहा, और अल्फा 4 की जगह पर जो नया वेक्टर आ गया है वो है अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 1। एक्स बी है हमारा एक्स 3 और एक्स 1, बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सी डी की बात कर लेते हैं, एक्स 3 के संगत कॉस्ट है 0 और एक्स 1 की जो कॉस्ट है वो है हमारी 5। अब नई टेबल किस प्रकार से बनती है, तो जो हमारा की एलिमेंट है, की एलिमेंट था हमारा सेकंड रो में, तो सेकंड रो के जो एलिमेंट आएंगे इस की एलिमेंट से हम जो पुराने वाले जो कॉलम है सॉरी जो रो है हमारी उन सभी को इस 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10/5 2, 5/5 1, ये 2/5 और ये 0/5 0 और ये 1/5। इस की एलिमेंट से हमने उस रो को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर हमें ये टेबल प्राप्त हो गई। अब इसका एक रो तो मिल गई, अब जो ऊपर वाली रो है वो हम बनाते हैं। तो ऊपर वाली रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर वाली रो जो बनती है वो की एलिमेंट जो है उससे जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट है 3, 5 से ऊपर है 3, इस 3 से इन नए वाले जो आपके वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और पुराने वाले मानों में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, नई जो रो बनानी है उसके लिए की एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट है 3, क्योंकि ये वाली रो बनानी है हमें, तो 3 से जो नए मान आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और पुराने वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 2 6, तो 15 - 6 हो गया 9। 3 × 1 3 और 3 में से 3 × 1 3 और 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। 3 × 2/5 तो ये हो गया 6/5 और 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 6/5 ये हो गया 19/5 तो ये हो गया हमारा 19/5। ऐसे ही 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एज इट इज। 3 × 1/5 तो 3/5 और 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3/5। तो ये हमारी नई टेबल बन गई। कैसे बनाई वापस बता देता हूँ। जिस रो में की एलिमेंट था उस रो में सभी एलिमेंट को हमने 5 से इस की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। तो 10/5 2, 5/5 1, 2/5 0/5 0 और 1/5, ये तो इजी है। इसके बाद में अगली रो जो बनानी है उसको बनाने के लिए हम की एलिमेंट से कॉरस्पॉन्ड में जो एलिमेंट है 3, उस 3 से कैलकुलेशन करनी है। 3 से जो नई आपकी रो आई है उस नई रो को मल्टीप्लाई करना है और पुराने वाले मानों में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 × 2 6,
15 माइनस 6 ये 9 आ गया, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0 आ गया, 3 इंटू 2 बाई 5 ये हो गया 6 बाई 5 और 5 में सब्ट्रैक्ट किया तो 19 बाई 5, फिर 3 इंटू 0 3 इंटू 0 0 और 1 में सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 3 इंटू 1 बाई 5 3 बाई 5 और 0 में सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 3 बाई 5। इस प्रकार से हम ये नई टेबल बना लेते हैं। अब नई टेबल बनाने के बाद जो प्रोसीजर है वो पुराने की तरह ही है, हम वापस जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे। तो जेड जे माइनस सी जे जेड जे माइनस सी जे का फॉर्मूला था हमारा जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू समीशन ऑफ सी बी वाई जे माइनस सी जे। तो सी बी हमारा ये है, वाई जे हमारा ये है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, 5 प्लस 0 5 रहेगा, 5 माइनस 5 गया 0, 19 बाई 5 माइनस 0 0, 2 बाई 5 इंटू 5 तो 2 और 3 में से 2 गया तो ये माइनस 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 0 माइनस 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये हो गया 1 और 0 कटाएंगे तो 1। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंपोनेंट है जेड टू माइनस सी टू ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसके नीचे हम चिन्ह लगा देंगे एरो, जो कि हमारा एंट्री वेक्टर हो गया। तो अब जो हमारा एंट्री वेक्टर है वो है अल्फा टू, ये तो एंट्री वेक्टर हो गया, और डिपार्टिंग वेक्टर जो है हमारा प्रवेश अवगामी सदिश, उसके लिए हम क्या करेंगे मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन वाई आई के, जहां वाई आई के धनात्मक होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए एक्स बी आई हमारा है सॉल्यूशन, तो ये है 9 और वाई आई के जो है हमारा वो एंट्री वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 9 अपॉन ये, तो 9 अपॉन 19 बाई 5 ये हो जाएगा 45 बाई 9 अपॉन 19 बाई 5 ये हो गया 45 अपॉन 19 और 2 अपॉन 2 बाई 5 ये हो गया हमारा 5। तो 45 बाई 19 और 5 में से मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है, तो ये हमारा डिपार्टिंग वेक्टर हो गया और डिपार्टिंग वेक्टर है हमारा अल्फा 3। ये एंट्री वेक्टर है, ये डिपार्टिंग वेक्टर है, दोनों का कॉमन एलिमेंट जो है वो है 19 बाई 5, तो ये हमारा हो गया की एलिमेंट। अब हम नई टेबल बनाते हैं, टेबल नंबर 3, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, उसके लिए भी वही सेम सी बी बी एक्स बी स्मॉल बी पर सी जे वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। और ये जेड जे माइनस सी जे, सबसे पहले एक्स बी हमारा है अल्फा थ्री की जगह हमारा अब कौन सा वेक्टर आ गया अल्फा टू, तो ये अल्फा टू हो गया, अल्फा वन एज इट इज, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स वन एज इट इज, बी अभी हम निकाल लेंगे, एक्स टू की कॉस्ट जो है वो है एक्स थ्री, एक्स टू की जो कॉस्ट है वो है 3 और एक्स वन की कॉस्ट है 5, तो ये 3 और 5। अब पहले की तरह जो की एलिमेंट है हमारा पहली रो में है, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 45 बाई 19, 0 को इससे डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, 19 बाई 5 को 19 बाई 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5 अपॉन 19 और ये हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन 19। अगली रो बनाने के लिए वापस वैसे ही नई रो को बनाने के लिए हमें जो की एलिमेंट के नीचे है 2 बाई 5, इस 2 बाई 5 से नए वाले मानों को मल्टीप्लाई करना है और पुराने वाले मानों में से घटाना है, तो 2 माइनस दो दो पुराना वाला मान है 2 बाई 5 इंटू नई जो वैल्यू आई है वो 45 बाई 19, तो ये 9 टू 18 तो 38 माइनस
18 अपॉन 19, ये हो गया हमारा 20 बटा 19, ये हो गया हमारा 20/19। अगला ऐसे ही इस 2/5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे 1, 2/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करके 2/5 माइनस 2/5 ये 0, 2/5 को 5/19 से मल्टीप्लाई करना है, 2/5 × 5/19, और सबट्रैक्ट किस में से करना है, जो नए मान है तो नए मान क्या 2/5 × 5/19, और जो पुराना मान था वो था हमारा 0, 0 में से सबट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया माइनस के 2/19। ऐसे ही इस 2/5 से 3/19 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 2/5 × 3/19 माइनस के, और सबट्रैक्ट किस में से करना है हमें 1/5 में से, तो 1/5 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 6/19 × 5, एलसीएम आ जाएगा 19 × 5, और ये हो गया 19 + 6, तो 25/19 × 5, तो 5/19, तो ये हो गया हमारा 5/19। अब हम जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं तो 0, तो ये तो हमारा बेसिस मैट्रिक्स जो होती है, जो हमारे बेसिस में हैं उनके संगत, तो जेड जे माइनस सी जे हमेशा 0 ही आता है, तो ये 0 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15/19 सी बी वाई जे, तो ये सी बी है हमारा 3 × 45/19, सॉरी सी बी वाई जे, सी बी तो 3 × 5/19 प्लस 5 × -2/19 और माइनस सी जे, तो माइनस 0 तो कोई मतलब ही नहीं, ये हो गया 15/19 − 10/19, तो ये हो गया 5/19, तो ये है हमारा 5/19, और इसी प्रकार से ये माइनस 3 × 9, तो −9/19 और 5/25 कितना हो गया माइनस प्लस के 16/19, ये हमारा 16/19। तो इस स्टेप में जो थर्ड टेबल है हमारी, इस थर्ड टेबल में सारे जो जेड जे माइनस सी जे हैं, ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जितने भी जेड जे माइनस सी जे हैं वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो जेड जे माइनस सी जे यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं तो हमारा जो टेबल है वो लास्ट टेबल होती है और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया। तो देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 जो है हमारा वो है 20/19 और x2 के संगत है 45/19, तो z हो जाएगा हमारा मैक्सिमम z इक्वल्स टू ये था 5x1 + 3x2, तो 5 × x1 का मान है 20/19 प्लस 3 × 45/19, ये है हमारा 235/19, तो ये हमारा मैक्सिमम जेड है, जेड का जो अधिकतम मान है वो 235/19 से ज़्यादा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।